में शूटिंग हुआ है, ये भी बता दें। तो क्या कहना चाहोगे आप स्क्रीन के बारे में? फिल्म तो बहुत अच्छी लगी, आप बोलिए। फिल्म मुझे तो खासकर बहुत अच्छी लगी क्योंकि इस फिल्म का 90% पार्ट मेरे गांव में ही शूट किया गया है, वो जो ईट भट्टे का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात कि बीड सिने प्रोडक्शन और मगध मूवीज़, ये दोनों का बहुत बड़ा प्रयास है एक समाज के एक तबके को के व्यक्तियों को लेकर, जिनके पास बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं और उनकी समस्याएं कैसे उनसे उनके साथ उनके मरने तक रहती है, ये समाज में दर्शाना बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा प्रयास है इन दोनों का। तो इसके मेरे मतलब दिल से इन लोगों का आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएँ इनको फ्यूचर में भी अच्छा करें। और कैसा लगा अमित का अभिनय, कैसा लगा आपको? पूरी फिल्म में कही जाए तो अमित जी के अभिनय पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता है, और आपका पूरा नज़र पूरा फोकस अमित जी के एक्टिंग पे रहता है और उनके आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? हम लोग तो इस क्राफ्ट से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो उसके लिए जो एक इमोशनल क्राफ्ट है, आप किस तरीके से इमोशंस को आप लोगों तक पहुंचा सकें, तो इसमें जो दिखाया है द बेसिक स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी है कि आप एक गरीब के लिए कितने स्ट्रगल है उसके लाइफ में। उस अमित ने बहुत ही कमाल काम किया, और विकास जी को मैं कहूँगा कि उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर काफ़ी सोशली एक्टिव हैं, उनको जो थाट अच्छा लगा जो स्टोरी पर उन्होंने सपोर्ट किया है एक आर्टिस्ट को कि आप उसको बनाएं लोगों तक पहुँचाएं। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा होती है, बड़े जरूर भी होती है। कोविड में तो मेरे हिसाब से हमने देखा है, ये जो एक ग्लिम्स है इससे ज़्यादा बुरी तरीके से सिचुएशन देखी है, तो वो एक बेसिक को इमोशंस कहते हैं ना, पूरा कोविड से अलग बेटर हो गया वो तो जी जी हाथ लगा लोकली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बड़े शहरों में भी 5 लाख रुपए बिल आ जाता है। जी जी जी, बॉडी नहीं दी जाती है। हाँ ये तो सर टीवी में न्यूज में देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सरकार उसमें कुछ नहीं करती है, सब प्राइवेटाइजेशन है, धंधा है, बिजनेस है, ये हॉस्पिटल का जितना भी है। बिल्कुल नहीं, 100%। और मुझे लगता है बड़े छोटे देखो गरीबी तो हर जगह है, चाहे आज मुंबई में हम हैं लेकिन मेट्रो सिटीज में भी गरीबी है, जिस शहर की कहानी है बिहार में भी गरीबी है, और शायद कुछ चीज़ें सरकार तक पहुंच भी नहीं पाती हैं, और जहां पहुंच पाती हैं वहां शायद लोग कभी 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 थोड़ी असावधानी हो जाती है लोगों से। बट यस, ये जो मीडियम है ये बहुत करेक्ट मीडियम है एक चीज़ को लेकर आना कि हाँ इस तरीके की तकलीफ से भी एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो गुजर रहा है। तो गरीबी दिखाई है कि जी करप्शन दिखाया है? नहीं, इसमें तो गरीबी दिखाई है, करप्शन तो 100% नहीं दिखाया है, गरीबी और कैसे किस तरीके से कहेंगे ना उसको जो पैसा नहीं है। हाँ उसके लिए बॉडी मजबूरी का फ़ायदा उठाना और अपने अधिकार का फ़ायदा उठाना दो अलग चीज़ है। करप्शन आप तब बताएंगे जब कोई एक ऑफिशियल आदमी हो अपने अधिकार का अपने पावर का गलत फ़ायदा उठा रहा है। यहाँ पे एक जो सेटअप दिखाया उन्होंने उस सेटअप में आदमी किसी के मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। शायद उस जगह अगर आपने देखा है जो फिल्म बनाए हैं उस जगह वो आदमी चाहता तो शायद इंसानियत के नाते उसकी मदद कर सकता था, लेकिन वो अपने पैसे के लोभ को ज़्यादा ध्यान रखते हुए इंसानियत को पीछे हटा के आगे बढ़ गया। हाँ कन्वर्ट बिजनेस में इमोशन को आगे बढ़। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बॉबी जी, आप डायरेक्टर साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं, काफ़ी दिन में आपने बनाया भी है, अमित जी को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अमित जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, मैं भी बिहार का होने की वजह से जो है ना, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों को जानता हूँ किस तरह से लोग बाग वहाँ के हैं, आज भी कितनी गरीबी है, ये मतलब आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि बहुत अच्छा आपने एक्टिंग किया, और ये कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला, मैं रियली बता रहा हूँ। मैं तो सोच के आया था कि ऐसे ही चलो कुछ होगा, लेकिन इस लेवल का होगा जो एक मैसेज जो है ना बिहार में, बिहार के लिए मतलब कमाल का मैसेज है ये, कि आज जो ये मतलब ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया है? एक मैंने कहा ना, एक न्यूज़ में ऐसा आया था घटना का जिक्र आया, तो वहीं से ये हम लोगों ने आइडिया डिराइव किया। एक रियल इंसिडेंट हुआ था जो हम लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया, तो वहाँ से आइडिया डिराइव किया गया, फिर थोड़ा इसको फिल्मी अंदाज में डेवलप किया गया, और मूल जो तत्व तो है कहानी का उससे हम लोगों ने छेड़छाड़ नहीं करा, जो घटनाएँ घटी उसको हम लोगों ने एज इट इज़ रखा, बाकी सिक्वेंसेज वगैरह फिर शायद मतलब ये कि आपको आश्रम में देखने के बाद जो है ना इस तरह के कैरेक्टर में देखा, मैं तो रियली मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि भाई ये किस लेवल के कितना डेप्थ है उसमें, रियली बता रहा हूँ।
इनकी एक्टिंग तो आश्रम में हम लोगों ने देखी, लेकिन मैं देखकर जो है ना बहुत सरप्राइज हुआ कि इस लेवल का भी, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें भी हीरो ही दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सा उसको बहुत अच्छा, लेकिन ये इसको बिहार सरकार को पहले दिखाइए मुझे लगता है ये एक्चुअली संजय जी और ये सब जो है ना एक स्क्रीनिंग इसकी हम लोग पटना में रखने वाले हैं, जिस तरह का मैसेज है वो बिहार सरकार को दिखाना चाहिए, स्क्रीनिंग पटना में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हों, लोग भी हों, डेफिनेटली रहेंगे भी, कहीं ना कहीं हमारा मोटिव भी है, क्योंकि अब विकास जी हमेशा से ना सिर्फ सिनेमा बल्कि सोशल काउंस के कई चीज़ों में जुड़े रहते हैं और इन्होंने कई लोगों को हमेशा मदद भी करा है, तो इनका तो सबसे प्राइम फोकस रहता है। इन्होंने कहा था पटना में ही करना है, तो मैंने बोला कि नहीं अभी मैं बॉम्बे हूँ तो करते हैं यहाँ, फिर इसके बाद पटना डेफिनेटली करेंगे, तो अगली मुलाकात पटना में होनी है। थैंक यू सर। बेसिक मोटिव ये था कि लाइक हम अभी कहते हैं कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और हम लोग कई दशक से ऐसा सुनते आते हैं कि हमेशा से आप देखते होंगे नारा आता है गरीबी हटाओ और वगैरह वगैरह, गरीबों के लिए गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं भी बनती है, लेकिन एक्चुअली में एक गरीब परिवार जो झेलता है जो सफ़र करता है, तो इस फिल्म का सब्जेक्ट कहीं ना कहीं वहाँ से डिराइव किया गया है और ये एक रियल इंसिडेंट है, एक रियल घटना घटी है। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं बांस घाट, तो बांस घाट पटना में एक क्रियाकर्म करने का, दाह संस्कार करने का, जब किसी की मृत्यु होती है तो पटना में सबसे फेमस घाट है बांस घाट, वहाँ पे उसका क्रियाकर्म किया जाता है, तो ये टाइटल उससे रिलेटेड है और उसी से ये कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया है, तो एक रियल स्टोरी है जिसका रेफरेंस लिया गया है। और जो मैंने कहा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका कि गरीब आदमी एक्चुअली में जो दंश झेलता है कई जगहों पे, जो उसे अपमानित होना पड़ता है, उसकी जो अपनी पीड़ा है पैसों के अभाव में, जिन मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता है, तो ये इसके इर्द गिर्द की एक कहानी है। चिमनी पे काम करने वाले एक मज़दूर की कहानी है जो काम के दौरान दुर्घटना का शिकार होता है, फिर कई अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है। तो जब मैं लास्ट ईयर जब हम कर रहे थे प्रकाश जी के साथ सीरीज़ कर रहे थे आश्रम, तो कहीं ना कहीं प्रकाश जी का जब मैं देखता हूँ सोचता हूँ तो उनकी चीज़ें काफ़ी रियलिस्टिक होती है, रियलिस्टिक अप्रोच की होती है, तो उसी समय हमने एक न्यूज़ पढ़ा था जिसमें एक ऐसा आया था उल्लेख कि एक दंपत्ति के साथ ऐसी घटना घटी थी दाह संस्कार के दौरान, तो हमने वहाँ से ये आइडिया डिराइव किया, हमारे डायरेक्टर ललित झा जो प्रकाश झा के एसोसिएट हैं, तो उनका ये आइडिया था और मुझे भी एक एक्टर के तौर पे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर जो मेरा पोटेंशियल है उसको शोकेस करने के लिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी आइडियल है और ये काफ़ी सूट कर रहा है, तो हम लोगों ने इस पर वर्कआउट किया, इसकी स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले वगैरह रोहित इंगले ने इसकी स्क्रीन प्ले वगैरह तैयार करी और काफ़ी कुछ सपोर्ट इसमें ललित झा ने भी किया ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट, और इसके बाद फिर कास्टिंग की गई, तो हम लोगों ने चूँकि हमारा लोकेशन जो था वो बिहार में शेखपुरा ज़िला था, पटना ज़िला था, शेखपुरा में बरबीघा एक जगह है जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के जन्मस्थान भी है और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कर्मभूमि भी है बरबीघा, तो हम लोगों ने वहाँ शूट किया था चिमनी का जो सीक्वेंस था, और घाट का जो सीक्वेंस था वो हमने बाढ़ में, पटना ज़िला में बाढ़ में हमने शूट किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब हम इसको शूट कर रहे थे तो उस समय 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था, मतलब सरकार ने अलर्ट जारी किया था कि नाइट वेव में हीट वेव का अलर्ट जारी किया था नाइट में, और हम लोग 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, लोकेशन भी हम लोगों का चिमनी था, फिर बांस घाट का जो एक्चुअल सीक्वेंस हम लोगों ने शूट किया था बाढ़ में, तो वहाँ भी काफ़ी गर्मी थी और उसमें शूट करना काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन मज़ा भी आया क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच के लिए हम लोगों ने हर चीज़ को रियल ही रखा, परेशानियाँ आई पर ओवरऑल जो हमने रिजल्ट देखा तो थोड़ा सा सेटिस्फाइंग लगा। अभी आश्रम का चौथा सीज़न आएगा, लास्ट ईयर थर्ड सीज़न रिलीज़ हुई है और फोर्थ सीज़न अभी आने वाला है, और रिसेंटली अभी हमने स्टार के लिए जी टी वी के लिए सीरियल भी किया है शाबिर अहलूवालिया के साथ राधा मोहन, उसमें भी चल रहा है ऑन ऑफ ट्रैक। ये जो घटना है रियल घटना है, सभी ने देखा कोरोना टाइम में भी देखा कितनी डेड बॉडियां बह के आ जाती थी, तो इसको करप्शन कहेंगे या फिर गरीबी का अभाव क्या है? करप्शन के बजाय मैं इसको असंवेदनशीलता कहना पसंद करूँगा, लाइक करप्शन तो मैं देखता हूँ कि अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, हर आदमी कहीं ना कहीं इस चीज़ से
इसके दायरे में आ ही जाता है अगर आप बारीकी से देखेंगे तो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये इसको इस रूप में देखता हूँ कि लोग कितने असंवेदनशील हो गए हैं और किसी की भावनाओं को समझना उनके दायरे से लगता है बिल्कुल बाहर है, वो समझ नहीं पाते हैं किसी की मजबूरी, किसी की लाचारी। और एक गरीब आदमी का भी अपना आत्मसम्मान होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है। और तो कहीं ना कहीं हमें सबको अपने नज़रिए से ही सोचना होगा कि अगर हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देते हैं तो अगले के सेल्फ रिस्पेक्ट को भी उसी तरह से वैल्यू देना चाहिए जैसे हम खुद एक्सपेक्ट करते हैं। आपने बोला गांव की कहानी है, ये चीज़ शहर में भी है जो आपने दिखाया, बस शहर में थोड़ा अलग है। एक बड़े हॉस्पिटल में आप जाते हैं, चाहे कोकला मेन हॉस्पिटल में, कोई बड़ा हॉस्पिटल है किसी में भी, ऐसे केस बहुत हो चुके हैं कि बॉडी पड़ी है, पैसा नहीं है, उसको बॉडी नहीं दी जाती है, बवाल होता है, सरकार चुप रहती है। बिल्कुल, मैंने वही कहा कि इसको आप करप्शन ना कह के असंवेदनशीलता कहें तो ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग है और वो भी हम 21st सेंचुरी में हैं। हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, हम इतने अवेयर हैं, लेकिन आप देखिए कि एक मैन टू मैन जो फीलिंग होनी चाहिए आज की डेट में, वी आर लैकिंग दैट पर्टिकुलर फीलिंग। तो इसको लेके ही मैंने इसको सेंटर में यही रखा है कि आपके अंदर की जो भावनाएँ हैं वो धीरे धीरे मरती जा रही है, तो उन्हें ज़िंदा रखिए, तभी तो हम इंसान कहलाएँगे या इंसान कहलाने के लायक होंगे। आखिरी सवाल सर, ये फिल्म से क्या उम्मीद है और कहाँ फेस्टिवल में जाने वाली है या फिर? जी हाँ, इसको एक्चुअली नहीं, ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको नहीं बनाया। इसका जो एस्पेक्ट बनाने का था वो यही था कि हम इसको फेस्टिवल्स में, कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए इसे बनाया गया है और हम जल्द ही उसे भेजेंगे। आज पहली स्क्रीनिंग यह है, नेक्स्ट स्क्रीनिंग इसकी पटना में भी होगी, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे जो बाकी साथी कलाकार हैं, हमारी एक्ट्रेस को एक्ट्रेस पिंकी सिंह हैं, रविशंकर, धर्मेंद्र, रोशन, तो ये सब वहाँ है, तो उन सारे एक्टर्स को यहाँ पे अभी ला पाना संभव नहीं हो पाया, तो हमने एक स्क्रीनिंग इसकी पटना में रखनी है और दोनों जगह स्क्रीनिंग के बाद इसको फिल्म फेस्टिवल्स में हमें भेजना है, कुछ इंडिया में और कुछ अब्रॉड भी, और फेस्टिवल्स में सर्कुलेशन हो जाए उसके बाद फिर हम ये